हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे खाकर आप एक महीने में अपना 10 किलो तक वेट लूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए चाहिए हमें एक प्याज, दो हरी मिर्च, एक टमाटर, थोड़ा सा मटर, आपके पास जो भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं, और एक कटोरी चाहिए हमें ओट्स। देखिए मैंने यहाँ पैन रख दिया है और उसमें 2 चम्मच तक ऑयल डाल दिया है, और जब हमारा तेल गरम हो जाए तो हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब हमारा ज़ीरा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज डाल के प्याज को अच्छे से थोड़ा सॉटे करेंगे। फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर को अच्छे से चलाएंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को थोड़ा कम कर लेंगे जिससे हमारे प्याज और टमाटर जले ना, और अच्छे से चलाते रहेंगे। अब हमारा टमाटर और प्याज ऐसे अच्छे से भुन गया है तो हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें अपने मटर डालेंगे, और आपने जो भी सब्जी इसमें डालनी हो आप उसमें इस टाइम डाल के उसे अच्छे से सॉटे कर सकते हैं। हमारा मसाला अच्छे से भून रहा है तो इसमें हमने डाला ओट्स, और इसमें हमने डाला 1.5 गिलास तक पानी। आपको जितना गाढ़ा या पतला खाना हो आप उस अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। इसमें हमने एक चुटकी डाला है हल्दी। देखिए अब इसमें अच्छे से बॉयल आने लगा है, हम चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे चिपके ना। अब ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। आपको जैसे खाना है, पतला खाना है तो आप फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको गाढ़ा खाना है तो आप थोड़ी देर फ्लेम ऑन रख के इसे और इसका पानी सुखा सकते हैं। देखिए इसमें अब बबल्स आने लगे हैं तो मैं इसे इतना ही रहने दूंगी। इसमें डालूंगी एक चुटकी सिनेमन पाउडर, इसे अच्छे से अब हम मिला लेंगे। इसे अच्छे से अब हम चलाते रहेंगे अपने ओट्स को जिससे ये नीचे चिपके ना बर्तन में। अब हमारा ओट्स बन के रेडी है तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए अब हमारा ओट्स खाने के लिए एकदम रेडी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय।